आप जानते दोस्तों बिहार पंचायती चुनाव चल रहा है दोस्तों, और ये चुनाव जो है दोस्तों 15 दिसंबर 2021 तक चलने वाला है दोस्तों। कई दोस्त कमेंट कर रहे हैं तो पुराना वार्ड सचिव को हटाकर नए वार्ड सचिव का चयन किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं जवाब दूंगा दोस्तों कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आप जानते हैं कि वार्ड सदस्य द्वारा ही 7 सदस्य टीम जो है चयन करती है वार्ड सचिव का। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सचिव का कार्य होता है वह 2 वर्षों का होता है, ठीक है। अभी अभी खबर है दोस्तों कि जब विकास मित्र को सरकारी बना दिया जा रहा है, उसके बाद दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्र को सरकारी बना दिया जा रहा है, कई प्रकार के पदों को सरकारी पदों का दर्जा दिया जा रहा है, तो फिर वार्ड सचिव को सरकारी पद क्यों नहीं दिया जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वार्ड सदस्य जीते हुए हैं और वार्ड सचिव बनाए जा रहे हैं, चुने जा रहे हैं। सचिव जो बने हुए हैं सोच रहे हैं दोस्तों कि मैं जो है सरकारी बन जाऊं, मेरा जो परमानेंट हो जाए, मुझे जो काम है परमानेंट मिले, अर्थात मुझे 60 साल का जो है जॉब हो जाए दोस्तों, यही सोच रहे हैं वार्ड सचिव, ठीक है। वार्ड सचिव का जो पद है सरकारी पद हो सकता है, लेकिन आपको बहुत प्रयास करना होगा, आपको अपने निकटवर्ती जो वीडियो है उनसे बात करना होगा, उसके बाद नीतीश कुमार के यहाँ ये सब धरना प्रदर्शन करना होगा, तभी आप जो है सरकारी पद हासिल कर सकते हैं। बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर इस बार वार्ड सचिव सरकारी पद हुआ कि नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी सरकारी पद होने वाला नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो श्री नीतीश कुमार का ये फैसला है कि वार्ड सचिव जो वार्ड सचिव है वार्ड सचिव का ही कार्य करेंगे, उनको सरकारी पद नहीं दिया जाएगा। दोस्तों एक ही शर्त पर हो सकता है सरकारी नौकरी, जब आप लोग नीतीश कुमार जी को लेटर लिखेंगे, उसके बाद अपने आसपास के वीडियो को जो है बताएंगे कि हम लोग अच्छे काम करते हैं, हम लोग को सरकारी पद होनी चाहिए दोस्तों, तभी आपका सरकारी पद होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि जो पुराना वार्ड सचिव हैं उनको हटाकर नए वार्ड सचिव का चयन किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल आप कर सकते हैं, यदि पुराना वार्ड सचिव अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, आलस्यपन दिखा रहे हैं, तो उनको हटाकर नए वार्ड सचिव को बनाया जा सकता है, यानी नए सचिव पद चुना जा सकता है अपने जो है समर्थी के लिए, ठीक है दोस्तों। सही बात पेमेंट की, तो वार्ड सचिव को भी 500 रुपया महीना मिलेगा, लेकिन एक बात ख्याल रखें दोस्तों, वार्ड सचिव बनने से बहुत फायदे हैं, वार्ड से भी बढ़कर है फायदा। यदि आप वार्ड से सचिव पद चुन ले जाते हैं तो आपको देखिए फायदा क्या होने वाला है, जितने भी नल जल योजना है, जितने भी काम होगा दोस्तों, जो भी पैसा फंड से निकालना रहेगा दोस्तों, उसमें सचिव आगे सबसे पहले जाएगा, अधिकारियों से बात करने में भी सचिव ही शामिल होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए और जो बैंक से पैसा निकलेगा दोस्तों वो उसमें भी सचिव का ही सिग्नेचर रहेगा, तभी जो है पैसा निकल पाएगा, नल जल योजना हो चाहे मान लीजिए गलियों का नलियों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों, उसमें पैसा जो है ज़्यादा मात्रा में सचिव के द्वारा ही निकल पाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई है और आप वार्ड से वार्ड सचिव बन करके काफ़ी जो है पैसों की कमाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद। जय हिंद।